चलिए आज का अगला जो हमारा चैप्टर है वो हाँ अगला वही दूसरा, तो इसमें आई हैव अ ड्रीम आपने देख लिया है। अब अगला जो है वो है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। तो समझने की कोशिश करें, सबसे पहले तो आप इसके नाम को ही समझिए। इसके लेखक है ब्रेटन रूजल, यानी कि बी रूजल है। हाँ, तो आप समझने की कोशिश करेंगे आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। इस चैप्टर के नाम के अर्थ को पहले समझिए। आइडियाज मतलब आप सभी जानते हैं कि क्या होता है, सोच या विचार होता है। और यहाँ पर ऐसे आइडिया का बात किया गया है, और मैनकाइंड भी होता है मानव जाति, मैनकाइंड मतलब मानव जाति। तो यहाँ पर लिखा कि आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, यानी कि वह आइडिया जो मानव जाति को हेल्प करता है, वह आइडिया जो मानव जाति को हेल्प करता है। बी रूजल जो आपके लेखक हैं, तो इसमें आपको सबसे पहले बात पता होना चाहिए कि यह जो है एक सोशल एसे है, सामाजिक लेख है, यह कहानी नहीं है या भाषण भी नहीं है, ये एसे है, मतलब लेख है ये, ठीक है, निबंध आप पा सकते हैं। आखिर इस एसे में दिखाया क्या गया है, इस एसे में दिखाया गया है दो तीन बातों को। सबसे पहला तो ऑथर जो है आपके वो कहते हैं कि हम जानते हैं कि प्रत्येक दिन हमारे दिमाग में बहुत सारी आइडियाज आते हैं, असंख्य बहुत अलग अलग प्रकार के आइडिया आते हैं, लेकिन कभी आपके कहते हैं लेखक आपके कहते हैं कि देखिए मुख्य रूप से दो आइडिया जो है वो मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है। कितना आइडिया? दो आइडिया जो है मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है। और वह आइडिया क्या है? तो पहला आइडिया जो है जिससे हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है, और दूसरा आइडिया जो हमारे पर्सनैलिटी या फिर जो सोसाइटी के अंदर हमारा क्या स्थिति है उसके विकास में काम आता है। तो लेखक ने क्या कहा कि हमारे दिमाग में प्रत्येक दिन बहुत सारा आइडिया आता है, लेकिन दो आइडिया ही हमारे मानव जाति के विकास के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। ये अपने मन से अपना मंतव्य दे रहे हैं। और इसमें एक चीज और बताया गया है कि सिविलाइजेशन जो होती है, सभ्यता जो होती है, वो हमें हेल्प करती है मानव जाति के विकास में, वो क्या करती है, हमें मदद करती है। तो एक तो आइडिया के बारे में बात किया गया है, और बताया गया है कि लोगों के मन में प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में आइडिया आते हैं, लेकिन दो ही आइडिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और दूसरा बताया गया है मानव जाति के विकास के बारे में भी, कि मानव जाति का कैसे कैसे विकास हुआ। तो मानव जाति के विकास के बारे में भी बताया, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे, आदि मानव थे, जंगलों में रहते थे, पेड़ों पर किसी तरह बंदरों की तरह अपना क्या करते थे, जिंदगी बिताते थे, ये पता सब लोगों को। तो उनका जिंदगी बहुत ही अलग टाइप का था। फिर कैसे कैसे हमारे मानव जाति का विकास हुआ उसके बारे में चर्चा है। तो इसमें बताया गया है कि सबसे पहले आग का आविष्कार हुआ। आग का आविष्कार कैसे हुआ, तो अलग अलग किताब में अलग अलग तरीका बताया जाता है। आपको जानिए कि आग का आविष्कार कैसे हुआ। जंगलों, पहले जंगल बहुत ज्यादा हुआ करता था। तो जंगलों में क्या था कि अगर कोई पेड़ सूख गया तो पेड़ सूखने के बाद उसको कोई काटता नहीं था, कितना ही काटेगा और कितना ही जरूरी पड़ेगा, तो बहुत सारे पेड़ सूख जाते थे। और जब हवा आंधी वगैरह चला तो पेड़ में होता था घर्षण, और घर्षण के कारण एक बार क्या हुआ, जंगल में लग गई आग। तो घर्षण के कारण जंगल में आग लग गई, तो हुआ क्या कि बहुत सारे जानवर उसमें झुलस गए। उससे पहले मतलब जल पक गए बहुत सारे जानवर। उससे पहले जो हमारे आदि मानव थे मांस खाया करते थे, कच्चा मांस, ठीक है, कुत्ता बिल्ली जो भी जानवर दिख जाए उसका कच्चा मांस खाते थे। लेकिन इस बार जब जंगल में आग लग गया है तो हुआ क्या कि बहुत सारे जानवर ऐसे मर गए जल करके। जब आग शांत हो गया तो लोग लौटे वापस आए, उसमें तो देखा कि अब ये फलाना जानवर यहाँ पर मर गया है, जल गया है, तो उसमें से हल्का मांस उठा के खाया, ठीक है, तो इसको अच्छा लगा। अब जो कच्चा मांस है, अब पक्का मांस है, पक्का मांस ऐसे अच्छा रहेगा, तो उसने पक्का मांस हल्का क्या किया, उठाकर खाया, तो कहा बहुत ही अच्छा लग रहा है, स्वादिष्ट लग रहा है। तो इस लोगों ने सोचा कि अब हम लोग भी पक्का मांस को पका करके क्या करेंगे, खाएंगे। तो आग का आविष्कार इस लोगों ने देख ही लिया था कि घर्षण से आग उत्पन्न होता है, तो ये लोग लकड़ी के घर्षण से या फिर पत्थर के घर्षण से आग जो है उत्पन्न करना सीख लिए।
आग का जो आविष्कार है इससे एक फायदा और मिला, जंगली जानवर से इन लोगों को बहुत ज्यादा डर हुआ करता था, लेकिन ये लोग अब मसाल जैसे होता है ना, मसाल टाइप से आग जला करके रखते थे तो जंगली जानवर वहां नहीं आता था। आग को देख करके जंगली जानवर क्या हो जाते थे, भाग जाते थे। तो एक तो इनको आग के आविष्कार से जंगली जानवर से सुरक्षा मिला, और दूसरा जो इनको मिला वो भोजन पका करके खाने का व्यवस्था इस लोगों को मिल गया। आग के आविष्कार के बाद कहा जाता है कि लोगों ने पशु को पालना शुरू किया, और पशु में मुख्य रूप से जो पालन पालने के बाद जब शिकारी थे ये लोग तो कुत्ता पाला, इसके बाद गाय भेड़ को पालने का प्रयास किया तो गाय भेड़ पाला। पशु पालन से क्या हुआ, इनको शिकार में मदद मिलता था और गाय भेड़ से दूध मिल जाता था। दूसरी बात है कि पशु के जो पालतू बनाने का प्रोसेस है उसके बाद इन्होंने क्या किया, खेती का आविष्कार हुआ। उसके बाद किसका आविष्कार हुआ, खेती का। खेती का जब आविष्कार हुआ तो ये इन लोगों का जिंदगी अस्थाई हो गया, क्योंकि पहले ये लोग यहाँ से वहां बवाते फिरते थे जंगलों में बंदरों की तरह। बंदरों को देखता होगा आज इस गाछी में, कल वहां, परसों वहां, ऐसे ही हमारे मानव जाति भी रहते थे। लेकिन जब खेती का आविष्कार हुआ ना तो इस लोगों का जिंदगी एक जगह पे बीतना शुरू होगा, क्योंकि अगर बगल में आपने खेती किया है तो वहां से तब तक नहीं जाएंगे जब तक की खेती हो न जाए। तो ये लोग जो है इस तरीका से अब खेती जब करना शुरू कर दे तो पहले उस तरह का खेती नहीं होता था, आज की तरह रोटावेटर या ट्रैक्टर वगैरह नहीं था, झूम खेती होता था। जंगलों को जला देते थे, उसमें बीज छीट देते थे और उसी से खेती हुआ करता था, ठीक है। तो जब तक वहां से खेती में जो भी फसल है वो पूरा अच्छा से हो नहीं जाएगा तब तक वहां से वो लोग जाएगा नहीं। तो खेती का जो आविष्कार है इस लोगों की जिंदगी को अस्थायी बना दिया। दूसरा बात है इसमें दिखाया गया कि उस खेती के आविष्कार के बाद जिंदगी में बहुत सारा चेंजिंग आया। चक्का का आविष्कार हुआ, चक्का पहिया, पहिया का आविष्कार हुआ। पहिया का आविष्कार कैसे हुआ, एक बार ये लोग जो जंगल में लकड़ी काट रहे थे तो एक जो होता है ना लकड़ी का टुकड़ा, जब इन्होंने काटा तो ढुलकते हुए नीचे बहुत दूर तक क्या हो गया, चला गया। इसका मतलब इस लोगों ने सोचा कि लकड़ी का अगर इस तरह का चक्का बनाया जाए तो ये भी बहुत दूर तक जा सकता है और उस पर हम लोग गाड़ी उड़ी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चक्का उक्का का आविष्कार हुआ, इसके बाद मानव जो है बहुत आगे विकसित होता चला गया। खेती के आविष्कार के बाद इंडस्ट्री, फैक्ट्री वगैरह लगाना शुरू हुआ। तो बस इसी चीजों सबको इसमें क्या किया गया है, दिखाया गया है। तो आप लोग ध्यान से इसको जो है समझिए कि क्या क्या इसमें आखिर बातें की गई है इस ऐसे के अंदर। तो सबसे पहला तो देखिए लाइन क्या है, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज ए सोशल ऐसे, यह एक सामाजिक लेख है। ये जो आपका चैप्टर है यह सामाजिक यानी कि सोशल ऐसे है, रिटन बाय बी रुजल, और किसके द्वारा लिखा गया है, बी रुजल के द्वारा लिखा गया है। ही इज वेल नोन, वो बहुत ही फेमस है एज ब्रिटिश फिलोसफर, ये ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड के रहने वाले हैं और ये फिलोसफर के रूप में बहुत फेमस है। हिस्टोरियन भी है यानी कि इतिहासकार भी है, एंड सोशल रिफॉर्मर यानी कि सामाजिक परिवर्तन करता भी है। ही वाज अवार्डेड ए नोबेल प्राइज इन 1950, इनको 1950 ईस्वी में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। नोबेल प्राइज आप सभी जानते हैं ना, नोबेल प्राइज दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज है, सबसे नंबर वन का प्राइज है। नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है, किसके नाम पर, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। अल्फ्रेड नोबेल वैज्ञानिक थे और आज भी उनके परिवार में सब आदमी वैज्ञानिक ही होता है, ठीक है। देखा होगा एक परिवार में अगर राजमिस्त्री है तो उसके परिवार में सब जनरली राजमिस्त्री बनता जाता है, पता जाता है कि नहीं। तो इनके परिवार में अल्फ्रेड नोबेल के बारे में समझिए, सोचिए कि कैसे क्या है। अल्फ्रेड नोबेल जो है दो भाई थे, ठीक है, हल्का इसके बारे में सुन लो दो मिनट। अल्फ्रेड नोबेल कितने भाई थे, दो भाई, और दोनों भाई डायनामाइट का खोज किए थे। मुख्य रूप से अल्फ्रेड नोबेल ही है, इन्होंने डायनामाइट का खोज किया। अब डायनामाइट क्या है, विस्फोटक पदार्थ जिसके मदद से बम बनाया जा सकता है, या फिर बम ही कह लीजिए ना, बम। तो इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास जो है डायनामाइट का खोज किया जिससे बम बना सकते हैं आप, क्या बना सकते हैं, बम बना सकते हैं। और इसने बम अपने फैक्ट्री में बनाया भी खूब। हुआ क्या, द्वितीय विश्व युद्ध आ गया, और द्वितीय विश्व युद्ध में इनका बम बहुत बिका। अब विश्व युद्ध ही हो रहा है तो बम तो बिकेगा ही बिकेगा।
बहुत बम्बई का बहुत अमीर हो गया ये दोनों भाई। लेकिन एक दिन पे होता क्या है, इनके फैक्ट्री में आग लग जाती है। अब फैक्ट्री में आग लग गया और उस दिन अल्फ्रेड नोबेल उसी फैक्ट्री में थे, जिसके कारण उसका हो जाता उसी में मौत। तो पेपर में न्यूज छपता है, मौत का सौदागर आज खुद इस दुनिया से चला गया, कुछ इस तरह का पेपर में न्यूज छपता है और वहां पर अल्फ्रेड नोबेल का फोटो लगा होता है। तो इसका भाई पेपर पढ़ता सुबह सुबह, देखता इसका तो हाल खराब कि भाई कैसे आग लग गया, मेरा भाई मर गया। तो ये सब चीजें हो जाती है। तो जितना पैसा कमाया उसने क्या कर दिया, उसको मतलब जमा कर दिया और कहा कि प्रत्येक साल इस पैसा के ब्याज से, अरे लाखों में रुपया मिलता है नोबेल प्राइज में, रुपया भी मिलता है जिसको नोबेल प्राइज मिलता है उसको रुपया भी मिलता है लाखों के हिसाब से। तो प्रत्येक साल इस रुपया के ब्याज से ही क्या किया जाएगा, तो प्राइज बांटा जाएगा और जिस प्राइज का नाम रखा जाएगा नोबेल प्राइज, और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज बन गया। ठीक है, तो शांति के क्षेत्र में और इस विज्ञान के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, कई सारे क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में भी नोबेल प्राइज दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आप विज्ञान के क्षेत्र में कुछ अच्छा करेंगे, शांति के क्षेत्र में अगर कुछ अच्छा करेंगे, तो आपको यह प्राइज दिया जाएगा। तो यही प्राइज है नोबेल प्राइज 1950 ईस्वी में। नोबेल प्राइज का सारा कहानी समझ में आ गया, 1950 ईस्वी में इनको भी नोबेल प्राइज मिला था, यह बात आप याद रखेंगे। अब आप आइए मेन पैराग्राफ में, समझना शुरू करिए। इन द प्रेजेंट एसे, इस प्रस्तुत एसे में द ऑथर डिस्क्राइब्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इस ऐसे में ऑथर ने डिस्क्राइब किया है अबाउट मतलब के बारे में, किसके बारे में, तो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव के विकास के इतिहास के बारे में इन्होंने पूरा व्याख्या किया है। ही ऑल्सो डिस्क्राइब्स, उन्होंने यह भी डिस्क्राइब किया है अबाउट द आइडियाज, उन्होंने आइडिया के बारे में भी बताया है कि आइडिया क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन आइडिया मनुष्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, मैनकाइंड मतलब मानव जाति। तो इन्होंने उस आइडिया के बारे में भी बात किया है जो आइडिया मानव जाति के विकास के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। एक्चुअली मतलब वास्तव में देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ आइडियाज, लेखक कहते हैं कि वास्तव में जो आइडिया है वो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए आइडिया भी होते हैं निगेटिव और पॉजिटिव। कुछ आइडिया तो ऐसा है जो पॉजिटिव है, जो आपको आगे बढ़ाएगा और आपको जिंदगी में ऊंचाई तक ले जाएगा, लेकिन कुछ आइडिया ऐसा है जो आपको बर्बाद कर देता है, होता है कि नहीं। गलत आइडिया तुम्हारे दिमाग में आ गया, गलत सोच आ गया, गलत लोगों से संगत हो गया, तो फिर आप चले जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो इस प्रकार का भी आइडिया होता है। तो आइडिया दो तरह के हो जाते हैं, अगर हमारे अनुसार देखा जाए तो पॉजिटिव और निगेटिव। आपको हमेशा पॉजिटिव आइडिया रखना है। पॉजिटिव आइडिया में क्या है, आप हमेशा अपने काम के प्रति सोचिए। आप जब सोए रहे तो सपना में भी आपको पढ़ाई लिखाई ही आना चाहिए, तब जाकर के आज के समय में आप सरकारी नौकरी ले पाएंगे, क्योंकि आज के समय में सरकारी नौकरी लेना इतना आसान नहीं है, समझा रहा है। तो बहुत सारे प्रकार के आइडिया आते हैं, वो आपके लेखक कहते हैं दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जो मानव जाति को मदद करते हैं उसके विकास में। बट मतलब लेकिन अकॉर्डिंग टू द राइटर देयर आर टू मेन आइडियाज, राइटर के अनुसार दो ही मेन आइडिया है, दैट हेल्प्ड मोर इन डेवलपिंग टू द मैनकाइंड, जो कि मानव जाति के विकास में बहुत ज्यादा क्या करते हैं, मदद करते हैं। कितने प्रकार के आइडिया, दो प्रकार के आइडिया है जो मानव जाति के विकास में क्या करते हैं, तो मदद करते हैं। द फर्स्ट दैट प्रोवाइड नॉलेज, एक आइडिया तो वह है जो आपको क्या देता है, नॉलेज देता है। तो आपको हमेशा उस आइडिया के ऊपर काम करना। देखिए मान दिमाग में बहुत सारा आइडिया आपको दिन के अंदर आएगा कि हमको ऐसा हो जाता, ऐसा मिल जाता, ये कर लेते, वो कर लेते, लेकिन आपको सभी आइडिया को इग्नोर करते हुए उस आइडिया पर अभी फोकस करना है जिस आइडिया से आपको नॉलेज मिल सके। तो लेखक के अनुसार पहला आइडिया कौन है, पहला आइडिया वह महत्वपूर्ण है जो आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है एंड टेक्निक, नॉलेज देता है और क्या देता है, टेक्निक देता है। एंड द सेकेंड, अब जो दूसरा आइडिया है दैट आर रिलेटेड टू है ना मोरल्स एंड पॉलिटिक्स, और दूसरा आइडिया वह है जो नैतिकता और राजनीतिक से जुड़ा हुआ है।
दूसरा वह प्रकार है आइडिया का जिसमें आपको नैतिकता के बारे में ज्ञान मिलता है और पॉलिटिक्स के बारे में ज्ञान मिलता है। तो कितने आइडिया आते हैं मानव के दिमाग में? बहुत सारा, लेकिन कितने आइडिया महत्वपूर्ण है? दो प्रकार के। पहला आइडिया कौन महत्वपूर्ण है? तो पहला आइडिया तो वह है जो आपको नॉलेज और टेक्निक देता है। नॉलेज और टेक्निक ही अभी चाहिए ना विद्यार्थी जीवन में, क्या चाहिए तुमको? नॉलेज चाहिए अधिक से अधिक, और क्या चाहिए? टेक्निक चाहिए। और दूसरा आइडिया क्या है? तो दूसरा आइडिया वह है जो आपके मॉरल्स और पॉलिटिक्स के बारे में ज्ञान देता है। नैतिकता सिखलाता है आपको, और दूसरा पॉलिटिक्स से। नैतिकता क्या है? सही गलत का ज्ञान होना ही नैतिकता है। समझ में आ रहा है कहाँ क्या करना है, किसके साथ क्या करना है, वही आपका नैतिकता है। और पॉलिटिक्स तो जानते ही है, राजनैतिक, राजनैतिक में देख सकते हैं भारत का राजनीतिक अभी जाति और धर्म प्रधान हो चुका है। यहाँ का राजनीतिक के अंदर से अगर जाति निकाल दिया जाए, धर्म निकाल दिया जाए ना, तो राजनीतिक ही खत्म हो जाएगा भारत के, अगर राजनीतिक के बारे में देखा जाए तब। तो दो आइडिया के बारे में बताते हैं। ही सेज, वो कहते हैं दैट, मतलब कि सिविलाइजेशन हैज आल्सो हेल्प, जो सभ्यता है हमारी वो भी मदद करती है टू द मैनकाइंड, यानी कि मानव जाति को, विथ द हेल्प ऑफ इट, और सिविलाइजेशन की मदद से वी हैव बिकम मोर फ्रेंडली, हम लोग ज्यादा से ज्यादा जो है ना मित्रवत हो पाते हैं टू वन एनदर, एक दूसरे से। सभ्यता के कारण हम लोग क्या हो पाते हैं, ये मतलब दोस्ती या मित्रवत हो पाते हैं। एक सभ्यता के लोग, जैसे कोई हिंदू है तो उसका दूसरे हिंदू से जल्दी तालमेल बैठ जाता है, बैठता ही नहीं बैठता है। बट मतलब लेकिन देयर इज एन इम्पोर्टेंट मैटर, अब जो आपके कवि है एक महत्वपूर्ण मैटर के बारे में बात करना चाहते हैं, दैट वो मैटर यह है कि ह्यूमन बीइंग हैव टू फेस ऑफ कास्ट ऑफ जस्ट लाइक द बर्ड। कवि कहते हैं, आपके लेखक कहते हैं कि मानव जाति एक बहुत ही ज्यादा बड़ा समस्या का सामना कर रहा है आज के समय में, जो कि बर्ड के समस्या से संबंधित, बर्ड के समस्या के पैरेलल है। तो कौन समस्या आजकल के मानव फेस कर रहे हैं? कभी कहते हैं, लेखक कहते हैं कि द बर्ड हैव टू फेस इट इन टू विंटर। लेखक आपके कहते हैं कि बर्ड मतलब चिड़ियाओं को जिस तरह का समस्या ठंडी में होता है, ठंडी में होगा उसको समस्या, क्योंकि आप जानते हैं कि ठंडी में उसको कोई कंबल देने वाला नहीं है, वो ठंडी से बहुत दिक्कत होता बर्ड को, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आता होगा। तो कभी वही कहते हैं कि जितना और जिस तरह का दिक्कत चिड़ियाओं को ठंडी में होता है, बट ह्यूमन बीइंग हैव टू फेस इट बाय एनर्जी, लेकिन उसी प्रकार का समस्या, उतना ही समस्या मानव जाति को चिंता में होता है। किसमें होता है? तो आपने देखा भी है, चिंता से चतुराई घटे। इसमें वही बताया गया है कि आजकल समाज में एक बहुत ही बड़ी समस्या है, वो समस्या है चिंता। चिंता बहुत बड़ी समस्याओं को सामना करके सामने रख देता है, याद रखिएगा। बर्ड को जिस तरह का समस्या ठंडी में सामना करना पड़ता है, उस तरह का समस्या आजकल के मानव जाति को किसके कारण हो रहा है? चिंता के कारण। चिंता क्यों है? चिंता क्या है? जब आप अपने मतलब लेवल से ज्यादा चीज सोच लेते हैं तभी चिंता आता है। आप अपने लेवल में सोचिए, जितना आप मेहनत कर सकते हैं उतना ही प्राप्त करने की कोशिश करिए, तो चिंता नहीं होगा। अब तुम पढ़ रहा 3 घंटा कहेगा कि टॉप कर जाते हैं, रिजल्ट आया तुम टॉप नहीं किया, तो तुमको चिंता होगा कि हम तो सोच रहे थे क्या करेंगे, टॉप करेंगे लेकिन टॉप नहीं किए, तो क्यों आपको चिंता आया? क्योंकि आपने सोच तो लिया लेकिन काम नहीं किया, सोच लिया कि हमको टॉप करना है और काम किया नहीं, तो चिंता ही होगा। चिंता मुख्य रूप से कब होता है? जब आपका कोई काम पूरा नहीं हो पाता है, तो वही क्या होता है? चिंता। तो काम ऐसा ना सोचिए ना कि जो पूरा हो सके, और अगर आप सोच रहे हो उस काम के बारे में, तो उस काम के लिए आपको जो है मेहनत भी करिए। तो चिंता समझ में आ गया सबसे बहुत बड़ा क्या है, समस्या है मानव को, मानव के जिंदगी में अभी के समय पर। अब आपका अगला क्या कहता है, अगला पैराग्राफ में फार्दर मतलब आगे। तो यहाँ पर अभी तक दो बात हो गया, पहला तो आइडिया के बारे में बात हो गया, दूसरा कवि ने कहा कि आज के समाज में मानव को चिंता बहुत ही समस्या डाल रहा है। आगे फर्दर जो है आगे बोला गया है, फर्दर द राइटर एक्सप्लेन, आगे राइटर एक्सप्लेन करते हैं अबाउट मतलब के बारे में, द स्टेप्स, उस चरण के बारे में, दैट हैड टेकन बिफोर द डॉन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास में जो स्टेप्स लिए गए हैं मानव के विकास में, उस स्टेप्स के बारे में बात करते हैं।
दैट टाइम देयर वाज नो डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। कभी हमारे उस इतिहास का बात कर रहे हैं जिस इतिहास में भाषा का विकास हुआ ही नहीं था। अब भाषा जैसे हम लोग हिंदी इंग्लिश बोलते हैं, उस टाइम पर कोई भाषा ही नहीं था। जब हम मानव के विकास के पुराने इतिहास को देखेंगे तो क्या है, जब बंदर की तरह पेड़ों पर रहते थे मानव, उस टाइम पर कोई भाषा का विकास नहीं हुआ था। उस समय का बात कर रहे हैं, कभी किस समय का बात कर रहे हैं, जिस समय में भाषा का विकास हुआ ही नहीं था उस समय का बात कभी कर रहे हैं। वन आवर एंसेस्टर, हमारे एंसेस्टर मतलब पूर्वज, हमारे पूर्वज जो है या फिर पुरखा कह लो, आवर एंसेस्टर वेयर टेरिफाइड फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स, हमारे जो पूर्वज है वो टेरिफाइड मतलब डरे रहते थे, भयभीत रहते थे वाइल्ड एनिमल्स से, यानी कि जंगली जानवरों से, किसे जंगली जानवरों से वो डरे रहते थे। सो दे इन्वेंटर्स ऑफ द फायर, और इसलिए उन्होंने आग का आविष्कार किया, क्योंकि आग को देख करके जंगली जानवर क्या होते थे, भाग जाते थे। तो सबसे पहले किसका आविष्कार हुआ, आग का। इट मेड हिम सिक्योर, और आग ने उसको सुरक्षित किया जंगली जानवरों से। आफ्टर देन, उसके बाद दे डेवलप्ड द फायर, दे डेवलप्ड द प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन, यानी कि पशुओं को पालतू बनाने का प्रोसेस उन्होंने अपनाना शुरू किया, एस्पेशली द काउज एंड शीप्स, गाय और भेड़ को पालना उसके बाद उन्होंने क्या किया, शुरू किया। तो दूसरा नंबर पर पशु को पालतू बनाने का काम शुरू कर दिया। अगेन दे इन्वेंटेड द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर, और तीसरा नंबर पर उस लोगों ने क्या किया, एग्रीकल्चर यानी कि खेती का प्रोसेस जो है ना खोजा, कि कैसे खेती किया जाता है। इट मेड देयर लाइफ एक्सटेंड एंड प्लीजर, और खेती जो है उसके जिंदगी को एक्सटेंड मतलब खड़ा कर दिया एक जगह पे, क्योंकि पहले भटकते रहते, अब जब जहां पर खेती करेंगे वहीं पर रुकेंगे, और उसके जिंदगी को प्लीजर यानी कि अच्छा भी बनाया। एट लास्ट, और सबसे अंत में द इंडस्ट्री एंड द अदर वर्क्स डेवलप्ड, और सबसे अंत में जो है ये इंडस्ट्री फैक्ट्री और दूसरे दूसरे विकास, गाड़ी मोटर इस सब का विकास हुआ है इसके बाद। तो ये सारा मैटर आपको समझ में आया, इतना अगर आप डिटेल में सारी चीजों को समझ लीजिएगा तो क्वेश्चन आपको आराम से बनेगा। हाँ, लास्ट पैराग्राफ में आप अपने बातों को क्या करेंगे, बताएंगे कि आपको कैसा लगा चैप्टर। तो लिखेंगे 10, मतलब इस तरह वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये मानव के विकास से संबंधित चैप्टर हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, 5 चैप्टर हो गया, अगर इसी तरह से 2 चैप्टर रोज पढ़ेंगे तो आपका बहुत जल्द क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद पोयम वाले को भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। पहले तो आप लोग प्रोज वाला देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से यह चैप्टर आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।